नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ और एग्जांपल देखेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज इफ साइन ऑफ पी एक्स पावर एम माइनस क्यू वाई पावर एम अपॉन पी एक्स पावर एम प्लस क्यू वाई पावर एम इक्वल टू आर, देन शो दैट डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स वेयर आर इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आर कॉन्स्टेंट है और ये नए सिलेबस का नया एग्जाम्पल है, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, साइन ऑफ पी एक्स पावर एम माइनस क्यू वाई पावर एम अपॉन पी एक्स पावर एम प्लस क्यू वाई पावर एम इक्वल टू है आर। अगर हमने साइन को इधर लाया तो साइन का हो जाएगा साइन इनवर्स, इधर बचेगा पी एक्स पावर एम माइनस क्यू वाई पावर एम अपॉन पी एक्स पावर एम प्लस क्यू वाई पावर एम इक्वल टू साइन इनवर्स आर। साइन इनवर्स आर को हम कंसिडर करेंगे, समझो टी कंसिडर करेंगे, लेट साइन इनवर्स आर इक्वल टू टी, क्योंकि r कांस्टेंट है, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ r इज कांस्टेंट एंड t इज आल्सो कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट t कंसीडर किया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा पी एक्स पावर एम माइनस क्यू वाई पावर एम इक्वल टू t इंटू पी एक्स पावर एम, यानी हो जाएगा टी पी एक्स पावर एम प्लस टी इंटू क्यू यानी टी क्यू वाई पावर यम। इसके बाद जो एक्स पावर यम है वो कॉमन निकालेंगे दोनों साइड में से। अगर हमने एक्स पावर यम को कॉमन निकाला तो या तो बचेगा पी, इसको इधर लाने पर माइनस टी पी हो जाएगा और एक्स पावर यम हमने कॉमन निकाला इक्वल टू वाई पावर यम को कॉमन निकालेंगे, माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस टी क्यू और कॉमन निकाला हमने वाई पावर यम। इसके बाद इस ब्रैकेट को उधर ले जाएंगे, देयरफॉर एक्स पावर यम इक्वल क्यू प्लस टी क्यू अपॉन पी माइनस टी पी इंटू वाई पावर यम। अभी यहां पर देखो ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट हुआ और इस कांस्टेंट ब्रैकेट को हम अनदर कांस्टेंट से डिनोट करेंगे, तो यहां पर ये पूरे कांस्टेंट को हम डिनोट करते थीटा से, थीटा इनटू वाई पावर यम। सिंस यहां पर लिखेंगे या फिर लेट लिख सकते, लेट थीटा इक्वल टू क्यू प्लस टी क्यू अपॉन पी माइनस टी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट इसको हम डिफ्रेंशिएट करते, इसको नाम देंगे इक्वेशन वन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने पर एक्स पावर एम का डेरिवेटिव एम एक्स पावर एम माइनस वन, एम एक्स पावर एम माइनस वन इक्वल टू थीटा कांस्टेंट है एडिटिव रहेंगे। वाई पावर एम का डेरिवेटिव एम वाई पावर एम माइनस वन इंटू डिवाइड बाय डी एक्स, एम वाई पावर एम माइनस वन इंटू वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डी एक्स, दोनों साइड की एम एम कैंसिल, तो यहां पर डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, आएंगे डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स पावर एम माइनस वन, एक्स पावर एम माइनस वन अपॉन वाई पावर एम माइनस वन इंटू इस थीटा को इधर लाने पर वन बाय थीटा हो जाएगा, वन बाय थीटा। यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट करते x पावर m माइनस 1 अपॉन y पावर m माइनस 1 इनटू 1 अपॉन थीटा की वैल्यू
from equation 1 y power m को इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड तो थीटा क्यूब हो जाएंगे x power m upon y power m x power m upon y power m ऊपर चला जाएगा यानी वो होगा y power m since by equation इसके बाद यहाँ पर हम इंडाइसेस की प्रॉपर्टी लगाते a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n तो ये आएगा या फिर उसको नीचे ले आते यहाँ पर लगाते इंडाइसेस तो आएगा y पावर m माइनस m माइनस 1 यानी माइनस m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इंडाइसेस की प्रॉपर्टी a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n यहाँ पर भी इंडाइसेस की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर x पावर m माइनस m प्लस 1 तो यहाँ पर प्लस m माइनस m कैंसिल हुआ प्लस एम माइनस एम कैंसिल हुआ y का पावर 1 यानी y अपॉन x का पावर 1 यानी x हेंस टू तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे सेकंड एग्जांपल है इफ तो सेकंड एग्जांपल है इफ e पावर x पावर 7 माइनस y पावर 7 अपॉन x पावर 7 प्लस y पावर 7 इक्वल टू a देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू y अपॉन x ये भी एग्जांपल है इंप्लिसिट फंक्शन का और ये नए सिलेबस का नया एग्जांपल है जो गिवन इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी a पावर m इक्वल टू x ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका हमें अगर लॉगरिथमिक फॉर्म निकालना है तो जो पावर वाली टर्म है उसकी अपोजिट साइड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉग से यानी ये हो गया लॉग x और ये जो a है पावर का बेस तो ये a जाएगा लॉग के बेस में यानी ये हो गया लॉग टू द बेस a ऑफ x और ये m आएगा इधर m आएगा नीचे यानी ये हो गया एक्सपोनेंशियल उसका ये लॉगरिथमिक फॉर्म तो ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है इस डेफिनेशन का यूज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका स्टूडेंट लॉगरिथमिक फॉर्म आएगा x पावर 7 माइनस y पावर 7 अपॉन x पावर 7 प्लस y पावर 7 इक्वल टू आएगा log टू द बेस e ऑफ a a को मल्टीप्लाई करेंगे log से उसका बेस आएगा e इसके बाद इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पर राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यहां पर रूल लगेगा u बाय v का तो u बाय v का रूल है v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u into derivative of v upon v square तो यहाँ पर आएगा x power 7 plus y power 7 into derivative of x power 7 minus y power 7 x power 7 का derivative 7x power 6 minus y power 7 का 7y power 6 into divide by dx minus v minus u आएगा यानी x पावर 7 माइनस y पावर 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 7 दैट इज 7x पावर 6
plus and derivative of y power 7, that is 7y power 6 into dy by dx upon v square, vn upon vn x power 7 plus y power 7 उसका square equal to a constant, और constant का derivative रहता 0. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. इसके बाद दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन x पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 x पावर 6 प्लस 7 यानी 30. x पावर 7 इंटू 7 x पावर 6, 7 इंटू x पावर 6 प्लस 7 यानी 13 माइनस 7 x पावर 7 इंटू y पावर 6 डिवाइड बाय dx. उसके बाद y पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यह आएगा 7 x पावर 6 इंटू y पावर 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 y पावर 7 इंटू y पावर 6 यानी पावर की एडिशन होगी y पावर 6 प्लस 7 यानी 13 डिवाइड बाय dx. उसके बाद इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन x पावर 7 इंटू 7 x पावर 6 और ये माइनस यानी माइनस होगा 7x पावर 13 इंटू ये माइनस 7 x पावर 7 इंटू y पावर 6 डिवाइड बाय dx. उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस y पावर 7 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा प्लस 7 x पावर 6 इंटू y पावर 7. माइनस माइनस प्लस हो गया, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 7 y पावर 7 इंटू y पावर 6, दैट इज y पावर 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 इंटू डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0. अभी देखेंगे कौन सी टर्म कैंसिल होती है, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा. माइनस 7 y पावर 13 डिवाइड बाय dx और प्लस 7 y पावर 13 डिवाइड बाय dx कैंसिल हो गए. उसके बाद 7 x पावर 7 y पावर 6 डिवाइड बाय dx और ये माइनस 7 x पावर 7 y पावर 6 माइनस 7 माइनस 7 माइनस हो गए 14 x पावर 7 y पावर 6 डिवाइड बाय dx. उसके बाद क्या बचा, 7 x पावर 6 इंटू y पावर 7 प्लस 7 x पावर 6 y पावर 7, 7 प्लस 7 हो गए 14 x पावर 6 y पावर 7 और कुछ बाकी, प्लस 7 x पावर 13 माइनस 7 x पावर 13 क्या है, अभी सब हो गए कुछ भी बाकी नहीं है, इक्वल टू है 0. इस टर्म को उधर ले जाएंगे क्या होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 14 x पावर 6 y पावर 7, दोनों साइड के माइनस 14 कैंसिल, देयरफॉर डिवाइड बाय dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में है x पावर 6 y पावर 7 अपॉन, इसको उधर ले जाएंगे तो अपॉन में जाएगा यानी x पावर 7 इनटू y पावर 6. तो y पावर 7 में से y पावर 6 गए यानी कितने y बाकी है, एक y बाकी है. उसके बाद x पावर 7 में से x पावर 6 गए, 7 में से 6 जाएंगे तो एक x बाकी है यानी अपॉन x, हेंस प्रूफ. हमें यही प्रूफ करना था डिवाइड बाय dx इक्वल टू
y अपॉन x। तो बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू।